नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाराजा सूरजमल के जीवनी के बारे में। महाराजा बदन सिंह के मृत्यु के बाद उसके पुत्र महाराजा सूरजमल जाट 1756 में भरतपुर राज्य का शासक बना। राजनीतिक कुशलता और कुशाग्र बुद्धि के कारण उसे जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ आदि उसके राज्य में सम्मिलित थे। महाराजा सूरजमल अन्य राज्यों की तुलना में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। इनकी सेना में 1500 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक थे। उन्होंने अपने पीछे 10 करोड़ का सैनिक खजाना छोड़ा। मराठा नेता होलकर ने 1754 में कुम्हेर पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सूरजमल ने नजीबुल दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को मजहबी राष्ट्र बनाने को कोशिश को भी विफल कर दिया। इन्होंने अफगान सरदार असद खां, मीर बख्शी, सलावत खां आदि का दमन किया। अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पहुंच गया और इसकी सेना में ब्रज के तीर्थ को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया। इसको बचाने के लिए केवल महाराजा सूरजमल ही आगे आए और उनकी सैनिकों ने बलिदान दिया। अब्दाली फिर से वापस लौट गया। जब सदाशिवराव भाऊ अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था, तब स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव ने भाऊ को परामर्श दिया कि उत्तर भारत में मुख्य शक्ति के रूप में उभर रहे महाराजा सूरजमल का सम्मान कर उनके परामर्श पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध संबंधी इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया और अब्दाली के हाथों पराजित हो गया। 14 जनवरी 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्तियों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इसमें 1,00,000 में से आधे मराठे सैनिक मारे गए। मराठा सेना के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस क्षेत्र की उन्हें विशेष जानकारी थी। यदि सदाशिव भाऊ के महाराजा सूरजमल से मतभेद न होते तो इस युद्ध का परिणाम भारत और हिंदुओं के लिए शुभ होता। इसके बाद भी महाराजा सूरजमल ने अपनी मित्रता निभाई। उन्होंने शेष बचे घायल सैनिकों के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का प्रबंध किया। महारानी किशोरी ने जनता से अपील कर अन्न आदि एकत्रित किया। ठीक होने पर वापस जाते हुए हर सैनिक को रास्ते के लिए भी कुछ धन, अनाज तथा वस्त्र दिए। अनेक सैनिक अपने परिवार साथ लाए थे। उनकी मृत्यु के बाद सूरजमल ने उनकी विधवाओं को अपने राज्य में ही बसा लिया। उन दिनों उनके क्षेत्र में भरतपुर के अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा सम्मिलित थे। मराठों की परिजय के बाद भी महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक और झज्जर को जीता। वीर की सेज समर भूमि ही है। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हुए युद्ध में गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य हिंडन नदी के तट पर महाराजा सूरजमल ने वीरगति प्राप्त। उनके युद्धों एवं वीरता का वर्णन सुदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है।